गरम का है ना दूध से आपका खेल शुरू नहीं पहले वो दे दा अपान एक बराबर और नजदीकी बराबर मुकाबला अब नहीं बुढ़ाई आवाज क्यों ना पानी पूछे अलीगढ़ मिर्जापुर के बीच ऐसे मुकाबले में खिलाड़ी रिक्स नहीं लेना चाहते कोई जगहों से बाहर जाना नहीं चाहता लेकिन यहाँ से जो बेहतर खेलेगा वही इस मैच में बना रहेगा ये कोच कप्तान जानते हैं करीबी अंतर वाला ये मैच अंतिम मिनटों में मुकाबलों का परिणाम बदल जाता है और साधारण सात नंबर अब अलीगढ़ की ओर से छह नंबर के खिलाड़ी दोपहर का समय अब भीड़ से आप पता लगा सकते हैं एक ही अंक अब यहां से आप देना नहीं चाहते लेकिन अब ये संघर्ष हो रहा है लेकिन मिर्जापुर की टीम ने शुरू से ही अच्छा खेल खेला अलीगढ़ ने भी शुरुआती खेलों में जरूर चपलता दिखाई लेकिन बीच में जो अगर मैं कहूं मैच में जिस खिलाड़ी ने अंतर पैदा किया सात नंबर के खिलाड़ी आपको बता रहे हैं ये सात नंबर की लड़की में जो बालिका खेल रही है ये सारी शक्कर गांधीनगर में जो भारत सरकार ने चलाया है खेल प्रतिभा उसमें बच्चों ले रही है और हमारे मीडिया यहाँ बैठे भी है भाई गुणाल जी उनकी बेटी है घर का विषय है आपके सामने खिलाड़ियों के हुनर दिख जाते हैं कबड्डी का कैसा खेल लगातार लोकप्रियता के शिखर पर आज पूरे भारत में एक क्षितिज पर कबड्डी ने भारत के तगमे को भारत के झंडे को बुलंद किया सात नंबर यहाँ पे थोड़ी सी ढीले अब ढीले पड़ नहीं सकते इस खेल में आप अगर थोड़े ढीले पड़े तो फिर सावधानी हटी दुर्घटना घटी यहाँ से आप सावधान हो जाए गजब अद्भुत एक नंबर और सात नंबर में ही संघर्ष है अरे गजब एक एक संघर्ष सात नंबर और एक नंबर सही कहा आपने इधर सात उधर वन इक्कीस बाईस अरे बाप रे सने की साढ़े सात ही परेशान तो करेगी किसी को आई हो दादा भैल बवाल इक्कीस और बाईस का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ऐसी उम्मीद करते हैं भैया कि ऐसे ही मुकाबले सेमीफाइनल के हो और इस मुकाबले में ताली बजाते जोरदार इस बच्ची के क्या कहने अपने हुनर को इस खेल में अपने खेल से आप अपने विपक्षी खेल को धराशायी कर दे खेल का वो जुनून दिखना चाहिए वो जिगरा दिखना चाहिए अरे वाह ये क्या हुआ अलीगढ़ वाह अलीगढ़ वाह कोच खुश होंगे कोच के चेहरे पे मुस्कान पहले हाफ तक मिर्जापुर कुछ और लेकिन अब देखिए तीन अंक भी मिले और आलाउट के बाटी में आई है अब अंकों का संघर्ष उल्टी गिनती शुरू हो गई अब देखिए वाह मास्टर साहब 27 और 22 क्या होगा कहना मुश्किल एक एक अंक अब
अब अलीगढ़ आगे हो गई, शताब्दी एक्सप्रेस बन गई है अलीगढ़, चलना पड़ेगा मिर्जापुर को, वरना भी वही होगा सूरत बाला खीरा जो पेट भूखला देता है हीरा। हथेली पर तंबू में जला हो, कमर व सिर का दर्द हो, चक्कर आना घबराहट दूर करेगा, लेकिन यहाँ पे इनके क्या कहने, ताली बजा दी दस बजे जाओ। जो कहते उठते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, सूरज उग रहा है अलीगढ़ का। सात नंबर पे उम्मीद, उम्मीद की किरण टिकी है सात नंबर, सात नंबर की जर्सी काफी बड़ी है, एक बड़ा है महेंद्र सिंह धोनी जैसे, सात नंबर की जर्सी है जिसके पास हो। अब एक नंबर खेल से समझ में आ जाता है खिलाड़ी कैसा है। एक एक मिनट कम होते हुए मिर्जापुर की दिल की धड़कने बढ़ती है, महा कवरेज महा मुकाबला। पहले सेमीफाइनल का पूरा मुकाबला मैंने डाल दिया है यूट्यूब सर्च सुशील तिवारी पे, पूरे मुकाबले सानंद सिंह जी से कल मेरा साक्षात्कार भी हुआ, बेहतर इंटरव्यू भी हुआ सर का। ताली बजाते एक नंबर को पकड़ लिया, रूम के इक्के को पकड़ा, अब क्या होगा, अब यहाँ से अगली परीक्षा की घड़ी फिर शुरू हो गई मिर्जापुर के लिए। सिंहासन के माने होते सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर हटा संकल्प का अनुशासन हो, राजमहल के घर हवा के आचर हो जाती है, राजा तब्बू हो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। अब ये मुकाबला एकदम बराबर पे जा पहुंचा है। मैं इसी बताना चाहता हूँ एके भाई के सभी सचिव श्री विनय कुमार यादव का आगमन हो रहा है। एके भाई के सभी सचिव श्री विनय कुमार यादव, सात नंबर अकेले अपनी टीम के नेतृत्व करता, दो मिनट शेष, अब कुछ करना पड़ेगा, आर या पार की लड़ाई है। जी भैया कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, बेहतर रहेगा। करीबी अंतर जा पहुंचा है, करीबी अंतर है मैच का, चंद मिनट बचे हैं, अब यहां से तो कुछ करना पड़ेगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो, मौसम बिगड़ने वाला है, पहले एक बार अधिक टिकी सात नंबर की जर्सी जब टीम बराबर की होना तो बराबर के मैचेस मुकाबले आगे भी दिख जाते हैं। पांच नंबर दिल की धड़कने बढ़ती हुई, चंद मिनट बचे हैं इस खेल को, विजेता का फैसला होगा इस दूसरे सेमीफाइनल के मुकाबले में जब अलीगढ़ बना मिर्जा पकड़ लिया। चंद मिनट बचे हैं और अब यहां से अलीगढ़ के लिए भी खतरा है मिर्जापुर के लिए। सात नंबर फिर एक बार चपलता स्थिरता माइंड गेम है ये कबड्डी भाई, ये काम फिर मिल गया मिर्जापुर को मास्टर साहब, और ताली बजा दीजिए मैं चाहूंगा दोनों ही टीमों के लिए। पता नहीं अब वो लोग जोड़ेंगे ना।